Hello children, I am Sonalika Mishra and today we will do one question of class 8 algebraic expressions and the question says find the value of k if the divisor is a factor of the dividend. And this is the question. Divisor, dividend ka factor tabhi hota hai jab remainder 0 hota hai. Theek hai? Ab yahan pe hume k ki value pata karni hai. Theek hai? To isko hum solve karte hain. अब यहाँ पे 2x³ है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हम क्या नंबर लिखेंगे कि ये कैंसिल हो जाए? We will write 2x² 2x² multiplied by x will give 2x³. अब ये है 3 plus 3 multiplied by 2x². अब यहाँ पे x² तो कहीं नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे. क्या लिखेंगे? Plus 6x² 3 × 2 = 6 और x² अब साइन चेंज करेंगे हम प्लस 2x³ माइनस 2x³ इट गेट्स कैंसल्ड. यहां पे प्लस 6x² था, इसका साइन चेंज होके माइनस हो गया. क्या बचा? 14x प्लस k माइनस 6x² पहले हम x³ को सॉल्व करते हैं, फिर x² को, फिर x ऑफ ए कांस्टेंट. अब हम पहले x² को सॉल्व करेंगे. दिस इज x एंड दिस इज माइनस 6x². क्वोशेंट में क्या लिखेंगे हम? क्या आना चाहिए कि ये कैंसिल हो जाए? माइनस 6x बिकॉज माइनस 6x मल्टीप्लाइड बाई x विल गिव अस माइनस 6x² एंड माइनस 6x मल्टीप्लाइड बाई प्लस 3 6 × 3 = 18 साइन माइनस का माइनस 18x. अब हम साइन चेंज कर देंगे. माइनस 14 प्लस 18 ये आ जाएगा प्लस 4x प्लस k और ये माइनस 6x² एंड प्लस 6x² कैंसिल हो जाए. अब आता है 4x प्लस k और ये x प्लस 3. अब हमें यहां पे लाना होगा प्लस 4. 4 into x will give us 4x and 4 × 3 = 12. Remainder 0 लाना है क्योंकि x plus 3 इसका factor है, dividend का factor है. Remainder 0 लाना है तो k की value क्या होनी चाहिए? K की value अगर यहाँ 12 होगी तो जब हम यहाँ sign change करेंगे तो remainder 0 आ जाएगा. Plus 12 minus 12 is equal to 0. So value of k becomes 12. This is the answer. अब हम क्या आंसर हमारा यहां तक ही है, एग्जाम में आएगा तो हमें यहीं तक सॉल्व करना है. अब हम आपको k की वैल्यू यहाँ 12 रख के दिखाते हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं. यहाँ पे हमने k की जगह वैल्यू रख दी है k की 12. This is 2x³. यहाँ पे 2x² क्वोशेंट में लिखेंगे. 2x² मल्टीप्लाइड बाय x 2x³ 3 × 2 = 6 प्लस 6x² साइन चेंज करेंगे. दिस गेट्स कैंसल्ड. क्या बचा? 14 माइनस 14x प्लस 12 माइनस 6x² अब हम x² को सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस 6x माइनस 6x² एंड माइनस 18x. अब फिर से साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल गिव अस 4x प्लस 12. अब आ जाएगा 4. 4 मल्टीप्लाइड बाय x इज 4x एंड 4 × 3 = 12. साइन चेंज करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब x प्लस 3 जो है वो इस डिविडेंड का फैक्टर है एंड k की वैल्यू 12. क्लियर? थैंक यू.